of Russian. Today we will discuss about fourth part of chemical reaction and equation. In this video we will discuss about the type of chemical reaction Chippard. तो जो हमारा फिफ्थ टाइप केमिकल रिएक्शन है वो आज मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है इसे आप लोग देखे भी हैं, देयर आर मेनी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी है, जैसे रस्ट का बनना वो भी है, ऑक्सीडाइज होता है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब क्या ऑक्सीडेशन है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन है इसमें कुछ पॉइंट है, उन्हें पहले हम समझा दे रहे हैं। पहले जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्सीडेशन, पहले इसे जानिए, एक एक पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है क्या? तो ऑक्सीडेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं क्रिएशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटैलिक एलिमेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटैलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ या इसको और भी लिख सकते हैं आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर मेटैलिक एलिमेंट आर मेटैलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड, या इसी को हम कह सकते हैं कंपाउंड इज नोन एज कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या है कुछ वर्ड इसमें जुटे हुए हैं, जैसे जनरली आप लोग जानते हैं कह देते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का बनना क्या है ऑक्सीडेशन का लगता है, ठीक है फैक्ट तो है, बट इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। अगर हो सकता है ऑक्सीजन ना हो हाइड्रोजन ना हो तो क्या वहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, होता है, अर्थात उसमें नॉन मेटैलिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और मेटैलिक एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो जहां पे मेटैलिक एलिमेंट का रिमूवल हो या नॉन मेटैलिक एलिमेंट का एडिशन हो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिमेंट आर कंपाउंड इन विच, इसी को और भी हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट नोट करना कर लीजिए, एलिमेंट्स आर कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटैलिक एलिमेंट्स इज एडेड आर हाइड्रोजन और मेटैलिक एलिमेंट इज रिमूव इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज, उसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन या नॉन मेटैलिक एलिमेंट का एडिशन हो और इन दोनों का क्या हो रिमूवल हो मेटैलिक और हाइड्रोजन का, तो उसे हम कहेंगे उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब हम एग्जांपल देंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें बहुत आता है, फिर इसी में एक
पॉइंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ये क्या होता है थोड़ा सा इसे जान लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कराए, या ये कह सकते हैं आप कि कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटैलिक कंपाउंड, लिख सकते हैं क्या, नोट करिए, कंपाउंड विच कैन, कंपाउंड विच कैन ऐड, विच कैन ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर नॉन मेटैलिक एलिमेंट्स आर, आर का जो लिखिए आर रिमूवल या रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन आर मेटैलिक एलिमेंट, आर मेटैलिक एलिमेंट आर नॉन एच, आर नॉन एच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्या जो प्रोवाइड करे है ना कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और मेटैलिक नॉन मेटैलिक कंपाउंड्स, या वो हाइड्रोजन और मेटैलिक एलिमेंट और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो वर्ड हो गए, एक ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इन पॉइंटों को क्लियर करते रहिए, फिर जब हम एग्जांपल देंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन बता दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए, सेकंड पॉइंट आपका बहुत यूनिक पॉइंट है वही रिडक्शन, क्या है रिडक्शन। तो अब इसे भी जान लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो रिडक्शन होता है ठीक इसी का क्या है अपोजिट होता है। तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर मेटैलिक एलिमेंट, मेटैलिक एलिमेंट आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आर रिमूवल of oxygen or non metallic element, element from a compound, from a compound, compound is known as प्रॉपर्टी रखते हैं कंपाउंड या एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वहां ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे अपोजिट हो जाए रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और मेटैलिक एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स यहां पे एंड लगा दीजिए एलिमेंट्स एंड रिमूवल
ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड इज नोन एज, इसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो द कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच गोज अंडर रिडक्शन, ये भी हम कर सकते हैं कि द कंपाउंड आर एलिमेंट्स व्हिच कैन गो व्हिच कैन गोज अंडर रिडक्शन व्हिच कैन गो अंडर रिडक्शन रिडक्शन द कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन गोज अंडर रिडक्शन रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी इज कॉल्ड टू बी रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस, क्यों? क्योंकि ये इनका जो अंडर गोज हो रहा है ये रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, रिड्यूस, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, जब रिडक्शन हो रहा है अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है। और जो हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कंडीशन में जाएगा अर्थात द कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन गोज अंडर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज, ठीक है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है वहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे, यहाँ पे हम रिडक्शन से रिड्यूसिंग एजेंट अब बताएंगे, कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट को भी देख लीजिए क्या है, द कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन कॉज रिडक्शन, लिख लीजिए, ए कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन रिड्यूसिंग एजेंट, ए कंपाउंड आर एलिमेंट्स व्हिच कैन कॉज रिडक्शन which can cause reduction is called reducing agent, okay। हमने reducing agent क्या है, मतलब जो reduction काज करेगा उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और रिडक्शन होते हैं ये दोनों रिएक्शन के अंदर होते हैं, अर्थात इन दोनों को ही मिला करके हम लोग, जैसे यहाँ पे भी हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताए, अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, तो मिला करके एक निकनेम दे दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड मेक नोट्स, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमें इसे बताने जा रहे हैं, इसे आप पॉज कर लीजिए, इससे पहले मैं एक पॉइंट और आपको बताने जा रहे हैं, फिर एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे देखो अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं किसी केमिकल का रिएक्शन में, मतलब ये हाफ होता है प्लस ए हाफ होता है, ये दोनों मिला करके कंप्लीट रिएक्शन देते हैं जिसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, कौन सा रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन,
अर्थात रिडॉक्स ऑफ, देख रहे हैं ना, टू वर्ड से मिलकर के बना है, इसको आप यहीं से कट कर लीजिए, रेड इधर ऑक्स हो जाएगा, रेड मींस क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इसके मींस क्या हुआ, रिडक्शन, और इसके मींस क्या हुआ, मतलब एक तरह से कर सकते हैं कि ये हो गया रेड, ये हो गया ऑक्स, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडक्शन, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम मैं लिया, चलो ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिला करके रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को अगर हम स्प्लाइटर कर दें तो एक दो वर्ड निकलता है इसमें से, फर्स्ट हमारा है रेड, सेकंड है ऑक्स, रेड का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडक्शन और ऑक्स का ऑक्सीडेशन। इस तरह से जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स में होगा तो हाफ जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होता है प्लस हाफ किसका होता है ऑक्सीडेशन का। इस तरह से दोनों मिलाकर के कंप्लीट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली एंड सच रिएक्शन आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करना चाह रहा है, चेक कर लीजिए। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट मानिए क्यूपिक ऑक्साइड है CuO प्लस H2 हाइड्रोजन, दोनों इलेमेंट हैं इसमें, जो डेफिनेशन अभी हम राइट किए थे, इसमें देखिए ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, बट चेक आपको ये करना है कि ये बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ रिएक्शन तो होना ही है। तो जब रिएक्शन होना है तो आप जानते हैं, जब पढ़े होंगे क्लास 10th में आप लोग, या नहीं अभी पढ़े हैं तो रिपीटी सीरीज मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाएगा कि जो कॉपर होता है रिपीटी सीरीज में लिस्ट होता है सबसे नीचे रखा गया है, जो सबसे बॉटम में होते हैं एलिमेंट वो नॉन रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देगा, जो पीछे हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ से CU रिमूव हो जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी इस रिएक्शन में आपको ये शो करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन होता है, ठीक है, अभी ये एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आ रहा है तो मैं उसे बता रहा हूँ। जैसे देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करिए, जैसे अभी हम बताए थे ऑक्सीडेशन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, कॉपर होगा ना, जब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या रिमूवल हो रहा है, क्लियर है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होगी वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन, ठीक। अब यहाँ पे चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ पे है मॉलिक्यूल और यहाँ पे कंपाउंड H2 बन रहा है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक, ये आगे किसके साथ क्या हो रही है, ऐड हो रहा है, ऐड होकर के H2O बना ले, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना, जुट रही है हाइड्रोजन के साथ, और जहां पे जुटेगी वहां पे क्या होगा, क्लियर करिए, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। आप देखिए मैं भी दो वर्ड बोले थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इसमें जो होता है रिडक्शन में हाफ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और हाफ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, कौन सा रिएक्शन देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
और ये तो आप पहचान लेती है, लेकिन अगर यहीं पर हम आपसे ये पूछते हैं कि किस कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बताएंगे? बताइए, जैसे डेफिनेशन में बताया था ना, क्या बताया था? कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन कॉज रिडक्शन, व्हिच कैन कॉज रिडक्शन, जो रिडक्शन कॉज करे, रिडक्शन यहां पे हो रहा है, ठीक है, तो जो रिडक्शन कॉज करता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिडक्शन इसका हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट पे होगा नहीं, क्योंकि यहां रिडक्शन हो ही रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? H2, इसको हम क्या लिखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आपके यहां ये क्लियर हो गया कि जो कॉज करता है रिडक्शन वो क्या क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि हमें ऑक्सीडेशन बताना है। ये जब हम देख लिए तो सेकंड तो ऐसे ही चेक हो गया, बट उसका भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेक करिए कि कंपाउंड आर एलिमेंट व्हिच कैन कॉज ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कॉज कौन कर रहा है? ये जो ऑक्सीडेशन कॉज कराएगा मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वही क्या होगा? देखिए ये प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं बताने के लिए, ठीक, तो आप चेक भी कर लिए होंगे, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड मेक नोट्स, और सेकेंड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें तो क्लियर है, ठीक है, कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आप क्लियर कर लीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी एग्जाम्पल आ जाता है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा तो उस कंडीशन में आप कैसे उसे क्लियर करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? चेक कर लीजिए, एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए H2 है और प्लस O2, ये दोनों मिला करके बना देगा H2O, ठीक हो गया। अब फिर हम प्रॉब्लम हो गया, ये इसके साथ जुड़ रहा है या इसके साथ जुड़ रहा है, ये हमारा बना रहा है H2O। अब तो यहाँ आप परेशान हो जाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन लिखें, इसका लिखें या इसका लिखें, या इसका लिखें या इसका लिखें, किसको हम लिखें? थोड़ा सा ये बेटा स्टेटस उबरता है, लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऐसे भी अगर रिएक्शन आ जाए, अगर पूछते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा तो बता सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर, खैर ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं आप लोगों को बताया, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ये कभी बता देंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, क्लियर करिए, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है पॉजिटिव, ठीक है, वहां से ऑक्सीडेशन होगा, और जहां पे घटेगा वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, सीधे सीधे बात है। तो यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है, क्या होता है? जीरो होता है, या किसी कंपाउंड का भी, जैसे H2O है, H2O है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। बट इसमें हम अगर एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो इसको x मान लेंगे, यहाँ पे ट्वाइस है तो इसमें टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि इसका 8 होता है, 2 होगा, होगा ना, 2 होगा, 6 होगा, इसमें 2 एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन -2 होगा, कितना होगा? इक्वल टू 0, यहाँ पे कर लीजिए 2x इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू 2/2 कट करिए 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो रहा है, कितना हो रहा है? यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना हो गया? +1, 1, ठीक, +1 हो रहा है। ऑक्सीजन का चेक कर लीजिए, जब हम इसी से ऑक्सीजन का चेक करेंगे, देखिए
यहाँ पे H2O कंपाउंड है, इसका होल ऑक्सीडेशन नंबर सबका जीरो होता है, इसका भी जीरो होगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है तो यहाँ पे 2 × 1 कर देंगे, हाइड्रोजन 1 होता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक की कमी है, एक तो यहाँ हो गया, निकाले भी है प्लस 1 लिखिए, अब प्लस इसका एस कर लीजिए इक्वल टू 0, इसलिए एस इक्वल टू -2। यहाँ पे ऑक्सीजन 0 से किसमें कन्वर्ट हो रही है, -2 में। तो अब यहाँ पे बस आपको केयर ये करना है, क्या केयर करना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, किसका घट रहा है, जिसका बढ़ेगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, जिसका घटेगा वहां रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 हो गया, यहाँ पे देखिए -2, 0 से -2 छोटा हो गया, 0 से प्लस 1 बड़ा हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इस तरह से बेटा ए आपका फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन, या इसे को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।